हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में यार मैं एक बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जिसको जब भी पढ़ता हूँ मैं सैड हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ और गुस्सा भी आता है और आई मीन आई फील बैड अबाउट माई सेल्फ एंड द बुक इज वेस्टेड इन इंजीनियरिंग। ये बुक जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, तीनों को पढ़ना चाहिए। तीनों कैटेगरी के लोगों को ये बुक पढ़ना चाहिए। वेस्टेड इन इंजीनियरिंग स्टोरी ऑफ इंडियन यूथ। मेरी एक मेंटलिटी थी यार कि यार इंडियन ऑथर उतने अच्छे नहीं होते हैं, दिस होता है, लेकिन ये बुक मैं क्योंकि मोस्टली बुक अमेजोन से ही खरीदता, देर इज़ नॉट लाइक अमेजोन हैज़ गिवन एनी सॉर्ट ऑफ मनी फॉर दिस, बिकॉज कॉन्वीनियंट होता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो आई हैव परचेज दिस बुक फ्रॉम अमेजोन एंड आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दिस बुक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रॉम देयर यू कैन परचेज दिस बुक very easily, right? So wasted in engineering, जैसे मैंने बोला जब भी पढ़ता हूँ इस बुक को 3 to 4 times तो मैं पढ़ ही चुका हूँ और ये एक बुक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मतलब इसमें कुछ भी बकवास नहीं लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ को पोर्ट्रे करता है और यू आर गोइंग टू एसोसिएट विद दिस स्टोरी, दैट फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज स्टोरी ऑफ एवरीवन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इफ यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन एनी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज और यू आर परस्यूइंग राइट नाउ और यू हैव परस्यूड, रीड this book. This is very 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 important book to read and जैसे मैंने बोला या description मैंने इसका link दिया है, वहाँ से तुम easily purchase भी कर सकते हो। बहुत बड़ी problem है यार engineering, मतलब I am itself an engineer and to be honest with it, I don't know why I did engineering. आई मीन वो भी मैंने इलेक्ट्रिकल में किया है विद 72% ऑफ एग्रीगेट, इट्स नॉट अबाउट 72% दिस और दैट, बट मेंटली मैं उतना शायद उस समय 17 year 18 year old था आई थिंक, सो उतना मेंटली डेवलप था ही नहीं यार। आई मीन वो भी 2 रुपए की कॉलेज से किया था, it was I was not aware of, even my father is a electrical engineer, so I mean it could be the reason I was unaware of ki yaar mere sath kya ho raha hai, bas ek bheed chaal chal raha tha, matlab usme beh gaya kyunki yaar ghar mein zyada objection bhi nahi karte hain चीज़ों को लेकर, तो उस समय और भी खुद में ही कमी हो यार, खुद में ही मैं तो बोलूँगा खुद में ही कमी थी, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ यार, तुम किसी चीज़ को वायलेट करते हो, किसी चीज़ पे तुम यू प्रिवेंट, यू रिफ्रेन योरसेल्फ, स्टॉप इट, आई डोंट वांट इट, ऑब्जेक्शन कब करते हो? जब तुम खुद अवेयर हो तो नहीं, दिस इज़ नॉट राइट यार, जब तुम अवेयर ही नहीं हो तो तुम क्या उस पर ऑब्जेक्ट भी करोगे? This is the problem I faced and this book is, trust me, very important to read. It's not a costly book at all. It has been written 180 rupees and if like courier charge hardly is going to be 200 and the experience you are going to experience is incredible. You know, this is incredible. Read this book. ट्रस्ट में एक बार पढ़ के देखो यार, तुम अगर तुम भी एक विक्टिम हो
so called 2 rupees engineer you are going to associate, you will feel sad as like I feel whenever I read this book. अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी एक अच्छा इंसाइट देता है. अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन की सोच रहे हो तो इस बुक में उसका भी सॉल्यूशन दिया गया है. जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर तुम करने जा रहे हो तो डोंट मेक हरी एज लाइक यू डिड मिस्टेक एज लाइक टू परस्यू इंजीनियरिंग दो यू आर नॉट इंटरेस्टेड. Don't make the same mistake as far as to pursue post-graduation. फिर से तुम्हारे पास एक चांस है, इस बार गलती मत करना. मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्ट, उस समय तक मैं ये बुक पढ़ा भी नहीं था. उस समय पैसे भी नहीं होते थे यार, पैसे भी नहीं होते थे, मतलब बहुत एक लिमिटेड मंथली मिलता था उस समय. अवेयरनेस की बहुत कमी थी यार बेसिकली. तो बीटेक के बाद एमबीए कर लिया, एमबीए भी कर लिया. एमबीए क्यों किया आई डोंट नो. वहाँ पे भी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी. तो ये चीज़ इस बुक में तुम्हें सिखाती है कि यार रुक जाओ, थोड़ा सा होल्ड ऑन. जैसे यूरोप में, यूएसए वगैरह में, जो डेवलप कंट्री, वहाँ पे क्या होता है, क्लास 12 के बाद वो मोस्टली जो बच्चे होते हैं एक साल की गैपिंग देते हैं. उसके पीछे सिंपल सा रीज़न होता है. ऐसा नहीं है कि सबको लेना ही है या लेते, सभी लेते हैं. अगर कोई बच्चा, अगर कोई भी पर्सन, ही और शी इज सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाई ही और शी इज गोइंग टू परस्यू दिस कोर्स, दे डू. But most of the guys are not sure of what to pursue, what not to pursue. They take 1 year of gap. So think over it, to mull over it, what to do and why to do. This is very important, you know. This is very important. This is something what every person should ask to him or herself. Why I am going to do this? Is there mere ko benefit kya milne wala hai yaar? Feeling sad. एक पता नहीं किसने ऐसा रिमर फैलाया कि इंजीनियरिंग इज द गेटवे ऑफ सक्सेस, मनी, वेल्थ. देयर आर सो मेनी अदर्स डिग्री डिप कोर्सेज दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. इट्स जस्ट मैटर योर चॉइस इज कंसर्न यार, वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू बिकम. All the courses, even BA, मतलब anything is good. It just matter you are interested or not. There is no as such engineering is the guarantee of success, wealth. I don't have money means I have money. It's like I do 2 rupees of work. I'm not interested, but just because to drive my life, I do just 2 rupees of job. I'm very open to you. Don't follow my path. Don't follow the same mistake as you did at the time of engineering. It could be possible that you are unaware of. Hold on, bro. Hold on, introspect yourself, think about it, give time to yourself. Yeah, graduation does matter. Graduation कहीं ना कहीं तुम्हारे life का एक base बन जाता है upon which you earn money. It totally depends on कि यार after that you are somehow is. It's not totally right, but most you can say this is something what you can say is right. I mean, after graduation somehow that is going to become your base. उसके बाद तुम कैसे, तुम्हारी लाइफ चलने वाली कैसी लाइफ होगी, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन somehow graduation. So graduation में इंजीनियरिंग 4 साल या 4 valuable years तुम अपनी लाइफ के देने वाले हो यार.
अपने 4 साल तुम ऐसे थ्रो कर दोगे? मनी और टाइम को थ्रो नहीं करते, स्पेंड करते, इन्वेस्ट करते हैं यार, इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस। ये बुक पढ़ोगे तो एक अच्छा इंसाइट मिलेगा। और अभी जिससे तुम मास्टर्स डिग्री कर लियो तो भी इसको पढ़ो, एक अच्छा इंसाइट ये देती है ये बुक। कैसे अभी भी चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन अभी भी कुछ भी फिलहाल किया जा सकता है, अभी भी चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। रीड दिस बुक एंड यू आर वन ऑफ द गाइज हु थिंक लाइक मी यार, इंडियन ऑथर, ट्रस्ट मी, इंडियन ऑथर्स डू राइट वेरी वेल। इस बुक को प्रभु स्वामीनाथन ने लिखा है और बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ज़्यादा मोटा बुक भी नहीं है। इफ़ योर रीडिंग स्किल इज गुड इनफ यू कैन इवन कंप्लीट इन अ डे, एंड द वर्ड्स आर टेकन वेरी सॉफ्ट वर्ड, इट इज मतलब द वर्ड, इफ़ योर इंग्लिश इज नॉट गुड डजेंट मैटर, द वर्ड most of the thing you are going to understand from this book. The words taken is not very difficult. If you will find few words, you can, you know, take the meaning of from the search engine and all. इस बुक को पढ़ो, मैंने लेट कर दिया, काश मैं अगर इंजीनियरिंग के टाइम पढ़ा होता तो शायद मैं मास्टर्स डिग्री नहीं करता और उस टाइम मेरा टाइम यूटिलाइज होता, पैसे बच जाते, वहाँ पे मैंने मिस्टेक किए। तो ये एक बुक बहुत ही वैल्यूबल बुक है, ट्रस्ट मी। अभी अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो और यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर जस्ट लाइक व्हाट द हेल आई एम डूइंग विथ माय लाइफ, कम आउट फ्रॉम दिस। अभी चांस है तुम्हारे पास, मौका है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू गिव a respect to your life. This is all I just want to say. This book is must read for every engineering student. बहुत सारे इंजीनियर जो 50,000 कमा रहे हैं, they are frustrated. They are literally frustrated. They are not enjoying their life because that work, the work he has assigned for, they are not interested. They are every day they are killing themselves. So read this book. Have a great day guys, and take care of yourself. Corona is surging, and if you are, as like I said, I have given the link in description box, you can easily purchase. I don't recommend to go to the market, and Amazon is a one of the finest place. From there you can find billions of books, trust me. The books you will find very difficult in market, you can easily purchase from Amazon. So wahan se ye main खरीद सकता हूँ, मैं लिंक वंस अगेन आई एम सेइंग कि दे चुका हूँ, और वहाँ पे क्लिक करके तुम, बट दिस बुक इज़ अ वेरी गुड बुक एंड दिस इज़ वन ऑफ द लवली बुक आई हैव एवर रीड, दिस इज समथिंग व्हाट इज़ माय लव, आई रियली लाइक दिस बुक। हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।